प्रकार से गर्मी पड़ रही है और इस बीच कई साइक्लोन हम लोगों ने देखी है, अम्फान से लेकर के अभी तक। लोगों को एक समस्या समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर करें तो क्या, गर्मी से निजात पाने के लिए क्या करें, और साइक्लोन के बाद जब पेड़ टूट रही है तो उसको वापस पाने के लिए क्या करें, क्या बोलेंगे जिसे? हम लोगों का आज जो है कोलकाता टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज की तरफ से यही एक मिशन था कि गाछ लगाएंगे तभी हम लोग बचेंगे, और साइक्लोन में जो गाछ गिरा है उसको किस तरीके से रिकवरिंग किया जाए वो हम लोग ग्राम में जा कर के उसको बताए हैं कि जैसे हम लोग बच्चे को या पशुपालन करते हैं उसी तरीके से हम लोग गाछ का भी पालन करें। इस बीच देखा गया सर कि आप लोग एक और सेफ ड्राइव सेफ लाइफ को लेकर के काफ़ी अवेयरनेस फैला रहे हैं, इस सेफ ड्राइव सेफ लाइफ के तहत लोगों को क्या जागरूकता भर रहा है? हम लोगों ने जानकारी दिया लोगों को कि आपका जो स्पीड है वो स्पीड ज़्यादा ना करें, और एक दूसरे को गाड़ी हमेशा गाड़ी के ऊपर कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपका, और तीसरा चीज़ ये है कि आप जहाँ पर देखें कि हम इतना ही स्पीड में गाड़ी चलाएं, जो मैंने उन लोगों से बात करके बताया कि आप उतना ही स्पीड में जो कोई भी इमरजेंसी ब्रेक हो तो आप उसको ले सकें, आपका भी कोई हादसा नहीं हो और जो पब्लिक चलने वाले हैं उनको भी किसी तरह का तकलीफ नहीं हो। सर ये सवाल आता है कि लगभग बाज़ारों में देखे जाते हैं कि लोगों को कितना भी अवेयरनेस फैला दिया जाए कि आप अपने घर से बैग लेके जाएं, प्लास्टिक का यूज ना करें, और अधिकतर नालों में देखा जाता है जाम की जो समस्याएं होती है वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्लास्टिक दोष होता है, और नदी को भी दूषित करने में भी सबसे बड़ा अहम भूमिका जो है प्लास्टिक निभाता है, तो लोगों को इस बीच क्या करना चाहिए? हमने आज भी इसका भी प्रोग्राम रखा था, हमने लोगों को बताया कि प्लास्टिक जो है ये एक बहुत खराब बीमारी है, लोगों के बीच जो है बहुत शरीर खराब हो रहा है उसकी वजह से। हमने कहा कि आप इसको इस्तेमाल ना करें, आप चटका या किसी चीज़ का बैग लेकर के बाजार जाएं और प्लास्टिक इस्तेमाल ना करें। खुद अगर आप इस्तेमाल ना करेंगे तो आशा करते हैं कि ये सब चीज़ बंद होगा आस्ते आस्ते। आज की डेट में जो साइबर अपराधी जो है कि चरम सीमा पर है, जो लोग ये इलाका जो है वो चटकल मिल का इलाका है और लोग ज़्यादा जो है शिक्षित नहीं है, जिसके कारण से कहीं ना कहीं वो लोगों को जाल में फंसाया जा रहा है, और ऐसा देखा जा रहा है कि जो लोग लोन ले रहे हैं तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सही तरीके से नहीं दे रहे, या फिर इतने सारे डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं कि उन पर जालसाजों ने एक नया फैक्ट्री लॉन्च कर दिया और उन्हें पता भी नहीं है कि उन फैक्ट्रियों में क्या हो रहा है, उनके अकाउंट से क्या छेड़छाड़ हो रही है, इस पर क्या कहेंगे? हम लोगों ने इसी चीज़ को लेकर के आज जो है हमारा क्राइम जो था, जो स्पेशली बहुत सारे मोबाइल पे दिखेगा OTP आता है, हम लोग उसके साथ शेयर कर लिए और हमारा पूरा अकाउंट खाली हो गया। दूसरी चीज़ है कोई भी पेपर दें तो हमने बताया है कि कोई भी पेपर देने से पहले आप थोड़ा सतर्क रहें ताकि समझें कि ये आदमी क्या है, क्यों पेपर मांग रहा है, अगर जो पेपर की ज़रूरत नहीं है उसको आप उसके साथ शेयर ना करें। सर बच्चों में देखा जा रहा था आज आप लोग बच्चों को बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे और साथ ही साथ वाटर बोतल फ्रूटी था, तो ये बुक करने का ये डिस्ट्रीब्यूट करने का क्या मकसद ये था? हमारा मकसद ये था, ग्राम में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल से इंटरेस्टेड नहीं है, स्कूल में जो जाना चाहिए बच्चे को उस तरीके से वो नहीं जा पा रहे हैं, हमने उसके गार्जियन से बात करके और बच्चों से बात करके उसके अंदर जो एक उत्साह लाने का कोशिश किया ताकि वो बच्चे जाएं स्कूल, और हमने कुछ उसको सामान दिया जिससे वो स्कूल में इस्तेमाल कर सके। जी सर, साथ ही साथ प्लास्टिक कैंपेन भी किया जा रहा था वहाँ पर, उसको लेकर के क्या कहिएगा? प्लास्टिक के लिए हम लोगों ने कहा है कि इसमें बहुत ऐसी बीमारी हो रही है जो देखिएगा आप साइंस भी मना कर रहा है इस्तेमाल नहीं करने के लिए, हम लोगों ने ग्राम में बताया है जैसे शंकरपुर ग्राम में कि आप लोग इस प्लास्टिक को इस्तेमाल ना करें, इससे आप खुद सेफ्टी रहेंगे। और स्प्रिड एडुकेशन के बारे में? उसके बारे में भी पूरी तरीके से हम लोगों ने बात किया है कि स्प्रिड एडुकेशन को कैसे आपको डेवलप करना है, किस तरीके से रहना है, और हम लोगों ने गार्जियन पे जोर दिया है कि आप उस बच्चे को स्कूल के लिए जो है आप एक टेस्ट दें, जैसे हम लोग कैसे होता है, हम लोग जब समझिए कोई भी एकेडमी चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो बच्चों के अंदर एक टेस्ट होना चाहिए तभी वो बच्चे आगे जाएंगे, उसके लिए गार्जियन को आगे आना पड़ता है। आजकल जो हाईटेक जमाना है जहाँ पर 4G मोबाइल सभी के हाथों में, कुछ गार्जियन बच्चों से परेशान है पबजी गेम को लेकर के, पबजी गेम में बच्चे जो है कि लीन है, और एक तरफ देखा जा रहा है इंस्टाग्राम पे जो भी रील बन रहे हैं वो सिर्फ सॉन्ग गाने ये सब चीज़ों पर बन रहे हैं, क्यों ना पेड़ पौधे पर, क्यों ना
ओटीपी के जानकारी को लेकर के क्यों नहीं सब चीज़ों पर रील बनाया जाए, क्या कहेंगे इसके बारे में? हाँ, इस पर काम करना चाहिए। हम लोगों ने हम लोगों का जो बीएड कॉलेज है कोलकाता टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, इसमें हम लोगों ने एक इसको बड़ा इशू बना के एक बड़ा प्रोग्राम बना करके हर जगह जगह पर हमारे बच्चे कैंपेनिंग कर रहे हैं कि आप इसको जो आपका ओटीपी है या बैंक का है या आपको गाछ लगाने का मामला है, इन तमाम चीज़ों पर हम लोग बहुत गहराई से काम कर रहे हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या व्यू था आप लोगों का, ये जो अवेयरनेस किया जा रहा था उसके बारे में कुछ डिटेल्स बताइए। इस पर भी हम लोग अच्छी तरीके से सोचे हैं कि इससे हमारा जो है और भी इस एक्टिविटी को हम अच्छी तरीके से करेंगे। अभी हमारा शुरुआत है, अभी एकदम न्यू हमने फर्स्ट बार ये प्रोग्राम किया है और इससे पहले एक बार किया था मैंने, लेकिन इतना प्रोग्राम नहीं था, हमारा एक दो था। लेकिन अभी हम सबसे ज़्यादा जो है एक एजुकेशन और दूसरा हम प्लास्टिक और तीसरा गाछ, इस पर हमारा ज़्यादा जोर है। और एक है बैंक का जो ओटीपी आता है आप शेयर कर लेते हैं, तो हमने कहा है कि इस चीज़ को आप लोग शेयर ना करें। 8 अहम संकल्प लेकर आगे बढ़े हैं लोगों को समझाने के लिए, इसमें सबसे अहम मुद्दा क्या होना चाहिए? सबसे अहम मुद्दा हमारे अंदाज से जो हमारे पास अहम मुद्दा है, सबसे पहले एजुकेशन जब आएगा तो आपके अंदर जागरूक पैदा होगा और ये एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। ट्री प्लांटेशन को लेकर क्या बोलेगा, पब्लिक तक क्या अपना मैसेज देना चाहिएगा? बोलो तुम इसको। हाँ बोलिए 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 मैम, इसको आगे कर दीजिए, इसको आगे कर दीजिए, ऐसे बस ठीक बोलिए। ট্রি প্ল্যান্টেশন তো এখন খুবই দরকার, কারণ যেভাবে আমাদের গ্লোবাল ওয়ার্মিং বাড়ছে আমাদের এটা থেকে বাঁচার একটাই মাত্র রাস্তা, সেটা হচ্ছে ট্রি প্ল্যান্টেশন, যেটা আমাদেরকে ন্যাচারাল ক্যালামিটি থেকে বাঁচাতে পারে। কারণ টেকনোলজি এখন এতটাই, মানে আমরা ঘরে ঘরে গরম থেকে বাঁচার জন্য এসি ইউজ করছি, যেটা আরও বেশি ক্ষতি করছে। তো তার বদলে যদি আমরা ন্যাচারাল কুলনেসটা চাই তো তার জন্য অবশ্যই আমাদের ট্রি প্ল্যান্টেশন দরকার। এটা নিয়েই আজকে আমরা আমাদের স্টুডেন্টদের নিয়ে আশেপাশের অঞ্চলে অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম করেছি এবং আশা করছি আমরা অনেকটাই সফল হয়েছি, আশা করছি অনেকের মনে অ্যাওয়ারনেস আমরা তৈরি করতে পেরেছি। আপনি একটা মহিলা, এই স্কুলের অনেকটাই মহিলা থাকেন, কী ভাবেন মানে সেলফ ডিফেন্স নিয়ে বা আর কিছু নিয়ে? সেলফ ডিফেন্স, নিজের সেলফ ডিফেন্স নিয়ে কী বলবেন? এটাও স্যার যেটা বললেন যে এডুকেশন হচ্ছে সব কিছুর বেস, তো এডুকেশন যত আমরা ছড়িয়ে দিতে পারবো তত মহিলারা তো বটেই, মানে সমস্ত মানুষ, তার সাথে সাথে মহিলারাও আরও বেশি নিজেদের স্বাস্থ্য বা হেলথ নিয়ে অ্যাওয়ার হবে এবং তাদের যে বিভিন্ন সমস্যাগুলো সেগুলো নিয়েও তারা বুঝতে পারবে যে তাদের অ্যাকচুয়ালি কী করা উচিত বা সেগুলো থেকে রেমিডিয়াল মেজারমেন্ট নেওয়ার জন্য কী কী করা উচিত। सर लास्ट प्रश्न ये रहेगा कि आज जितने 8 संकल्प आपने लेकर आगे बढ़े हैं, थोड़ा 8 संकल्प के लिए एक बार लाइन से बता दें, ये 8 संकल्प के बारे में लाइन से बता दें, आप ही बता दें और आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, एक तो आगे चलो। साउंड वाला हमारा जो कॉलेज है कोलकाता टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, आज हम लोग 8 संकल्प किए, 8 काम किए हैं। उसमें से पहला जो है वो है एजुकेशनल किट डिस्ट्रीब्यूशन एंड फूड पैकेट डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्लॉथ डिस्ट्रीब्यूशन। जो गरीब सीमा रेखा के नीचे जो बच्चे हैं जो एजुकेशन स्कूल नहीं जा पा रहे, जो जिसके पास खाने के लिए और खाने के लिए चीज़ नहीं है, ठीक है, जिसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, तो हम उस गरीब बच्चे को हम लोग ये 3 डोनेट किए उसके उत्साह देने के लिए, जो आप लोग एजुकेशन स्कूल जाए, स्कूल जाए और शिक्षा लीजिए। नेक्स्ट जो हमारा है वो है अवेयरनेस प्रोग्राम इन रूरल एरियाज और वुमेन हेल्थ रिलेटेड इशू, जो वुमेन जो हेल्थ रिलेटेड जो डिजीज़ होता है, जो डिजीज़ है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा जो टीचर है, हमारा जो स्टूडेंट्स है, वो ग्राम में जाके जो महिलाएं हैं उसको समझाए जो डिजीज़ के बारे में, कौन सा डिजीज़ अच्छा है, कौन सा डिजीज़ को साथ मुकाबला करना चाहिए, ये सब वो सब वो उसको समझाए। नेक्स्ट हमारा जो है अवेयरनेस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग एट लोकल एरियाज, जो ग्राम में जाके जो ऑर्गेनिक जो सीड्स है हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन किए। उसके बाद जो है ट्री प्लांटेशन
एंड सीड डिस्ट्रीब्यूशन। ट्री प्लांटेशन उधर जो हम लोग ग्राम में जाके जो उसको ट्री पौधे पेड़ पौधे दिए, जैसे उसको लगाने के लिए बोले, जैसे गर्मी बढ़ रहा है हम जितना गाछ या ट्री लगाएंगे उससे बेहतर फ़ायदा होगा। नेक्स्ट जो हमारा था वो है स्प्रेड एजुकेशन एमंग अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन, ये भी हमने किया है। और जो है साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर क्राइम, अभी जो चल रहा है जो 5G ज़माने में जो हमारा फ़ोन में जैसे पासवर्ड OTP शेयर ये सब करने के लिए हम लोग ने मना किया है। और जो बच्चे जो मोबाइल एडिक्टेड हो जाता है, इसलिए हम लोग वो बच्चे को उधर जाके समझाएं कि मोबाइल में एडिक्टेड मत हो, वो खेल कूद में ज़्यादा पड़े, जो उसके एजुकेशन है खेल कूद उसको ज़्यादा वो कंसंट्रेट किए, मोबाइल पर ज़्यादा मत कंसंट्रेट किए कि मोबाइल पर ज़्यादा कंसंट्रेट होने के लिए ये अच्छा नहीं है। और हम लोग उसके बाद किए प्लास्टिक कैंपेन किए, जो प्लास्टिक है वो जो गंदगी है बहुत अच्छा नहीं है प्लास्टिक हमारा शरीर के लिए, ठीक है। जब वो मार्केट में जाए तो जैसे जूट का जो बैग है, जैसे बैग है ये सब बैग बोले। और हमारा जो लास्ट था आज का सेफ ड्राइव सेफ लाइफ, सेफ ड्राइव सेफ लाइफ के बारे में, जैसे हमारा जो गति है जो गाड़ी का जो गति है वो गति हम नियंत्रण से हम रास्ते में गाड़ी चलाएं और देख कर गाड़ी चलाएं, जैसे इंसान को खुद का भी तकलीफ ना हो, इंसान का भी तकलीफ ना हो, और जो ये कैंपेन है वो हम अच्छे से करें। इसमें एक प्रश्न मिलेगी कि बहुत सारे लोग जल्दबाजी में हेलमेट भूल जाते हैं और जब उस पर फाइन चलता है तो उनका गुस्सा रिएक्शन जो है सीधे उन पर रहता है जो उनके जान की सुरक्षा के लिए बात करते हैं, इस पर क्या बोलते हैं? देखिए ये तो बात है, हेलमेट पहनना जो है, हेलमेट पहनना हमारे लिए ज़रूरी है। एक हेलमेट हम बाइक चला रहे हैं तो हेलमेट मेरा सबसे जरूरी चीज़ है। मैं अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो हेलमेट वह अगर एक आदमी हेलमेट पहन के बाइक चलाएंगे और जो एक्सीडेंट जब होता है तो उस तरह से ऐसे बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन जो हेलमेट नहीं पहनेगा तो उस तरह से तो आदमी मर भी सकता है। इसीलिए वो हेलमेट पहनना चाहिए। अगर पुलिस कोलकाता पुलिस अगर ये सब कर रहा है, जो फाइन ले रहा है ये आदमी का सुरक्षा के लिए ले रहा है, तो इसमें और ज़्यादा हम लोगों को कंसंट्रेट करना चाहिए। जो उनका सम्मान करने भूल जाते हैं और एग्रेसिव हो जाते हैं उनको, नहीं ये बात एकदम ठीक नहीं है। ये तो हम तो नियम के हिसाब से ही चलेंगे ना, ये तो रूल्स एंड रेगुलेशन है। हम तो हम जैसे यहाँ रहते हैं घर में रहने के लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशन जैसे जरूरी है, तो रास्ते में हम जब निकलेंगे तो उसका भी रूल्स एंड रेगुलेशन जरूरी है। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन क्या नाम सर, नाम बताइए। मेरा नाम है कुमार शुभदीप दास। अब यहाँ पे कौन कौन उपस्थित है ये बोलता था? हमारे साथ उपस्थित है प्रोफेसर अमित मंडल सर, प्रोफेसर सुब्रत आदोक सर, प्रोफेसर ईसा विश्वास मैडम, प्रोफेसर फिरोज मंडल एंड प्रोफेसर सुभाषित गोस्वामी, और हमारा जो असिस्टेंट सेक्रेटरी सर है मोहम्मद जावेदी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।